अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एशियन टेक मीडिया के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने तकरीबन 6 माह पहले या तकरीबन 5 माह पहले अगस्त में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने पाकिस्तान के टॉप 10 टेक यूट्यूबर्स के बारे में एक रैंकिंग की थी और वो रैंकिंग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बेस पर थी। तो दोस्तों, आज फिर से मैं अपनी वो रैंकिंग को रिवाइज करने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे कौन से यूट्यूबर ने 2017 में क्या अचीवमेंट्स हासिल की। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, ताकि आपको सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ें पता चल सकें। और यहाँ पर मैं अपने आने वाले नए व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो उन तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली रैंकिंग की वीडियो नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा या हम वो सारी चीज़ें देखेंगे किस तरह हमने रैंकिंग की थी और मौजूदा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बेस पर उनकी रैंकिंग किस तरह होगी। अगर आप हमारे दरमियान वाला कॉलम देखें तो ये वो रैंकिंग है या वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अगस्त 17 को थे, जब मैंने पिछली वीडियो अपनी रिकॉर्ड की थी। लेकिन अगर आप ये दूसरा कॉलम देखें तो इसमें मौजूद नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आज के हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2017 के। और ये दरमियान वाला अगर ग्रीन कॉलम देखें तो वो उनके अचीवमेंट हैं कि उन्होंने 2 अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप ऑफ द लिस्ट चैनल यानी कि लिस्ट 25 की, तो लिस्ट 25 ने अब तक तकरीबन 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही रखे हैं। पिछली रैंकिंग में भी इनके 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही थे और इस बार की रैंकिंग में भी इनके 2.2 मिलियन के पास ही सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बाद हम आते हैं अपनी रैंकिंग में मौजूद दूसरे नंबर पर, यानी कि जी टेक केयर पर। तो पिछली मरतबा की रैंकिंग में भी जी टेक केयर दूसरे नंबर पर ही थे, क्योंकि इनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 5,26,000 से ज़्यादा थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो इनके सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे रेट पर इंक्रीज़ हुए हैं, यानी कि अब इनके सब्सक्राइबर 6,87,000 के पास हैं, जो कि बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि उन्होंने बहुत थोड़े अरसे में इतनी ज़्यादा सब्सक्राइबरशिप हासिल कर ली। अब हम बढ़ते हैं अपनी रैंकिंग मौजूद तीसरे नंबर के चैनल यानी खुर्शीद राजपूत की तरफ। खुर्शीद राजपूत काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, और अगर बात की जाए इनकी पिछली मरतबा की सब्सक्राइबरशिप की तो तकरीबन 3,60,000 के पास थी, लेकिन दिसंबर 2017 में उन्होंने तकरीबन 4,40,000 के पास सब्सक्राइबरशिप हासिल कर ली है। इनकी सब्सक्राइबरशिप भी काफ़ी अच्छी रही है कि उन्होंने थोड़े अरसे में ही 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने रैंकिंग मौजूद चौथे नंबर पर चैनल यानी कि हाउ टू उर्दू की तरफ। हाउ टू उर्दू ने भी थोड़े अरसे में काफ़ी अच्छी सब्सक्राइबरशिप हासिल की है। अगर बात की जाए इनकी पिछली रैंकिंग की तो पिछली रैंकिंग में इनके पास जो सब्सक्राइबर मौजूद थे वो तकरीबन 2,90,000 के पास है, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब की इनके स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं। तकरीबन 3,66,000 के पास इनकी सब्सक्राइबरशिप पहुँच चुकी है। अगर बात की जाए असद अली टीवी की तो असद अली टीवी के जो लास्ट सब्सक्राइबर्स थे वो तकरीबन 2,40,000 के पास थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब उनके सब्सक्राइबर्स तकरीबन 3,11,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और इन्होंने भी काफ़ी कम अरसे में काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबरशिप हासिल कर ली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज़ुबैर चनियोटी की, तो ज़ुबैर चनियोटी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। उन्होंने इन मंथ्स में तकरीबन सिर्फ 12,000 के पास सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं, जो कि एक बड़े चैनल के लिए कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तैमूर परदेसी के बारे में, तैमूर परदेसी पाकिस्तान के सीनियर यूट्यूबर्स में से आते हैं, और अगर मैं बात करूँ उनके नंबर सब्सक्राइबर्स की तो पिछली रैंकिंग में 1,96,000 और अब की रैंकिंग में 2,40,000 के पास सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क है। अगर बात की जाए कदीर रेहान की, तो कदीर रेहान ने भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बिल्कुल ज़ुबैर चनियोटी की तरह। अगर बात की जाए इनके सब्सक्राइबर्स की तो उन्होंने इस कुछ मंथ्स में सिर्फ 10,000 से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं, जबकि इनके साथ शुरू हुए चैनल्स या इनके बाद शुरू हुए चैनल्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन कुछ ही मंथ्स में उन्होंने 50,000+ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ वीडियो वाली सरकार की, तो इस चैनल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़े से अरसे में ही इसने तकरीबन 81,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके साथ शुरू होने वाले चैनल्स या इससे पहले के कई चैनल्स ने भी इस ड्यूरेशन में इतनी अच्छी सब्सक्राइबरशिप हासिल नहीं की, और ये चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर बात कर लीजिए गैजेट्स क्वालिटी प्रो की, तो गैजेट्स क्वालिटी प्रो के पुराने सब्सक्राइबर्स जब हमने रैंकिंग की थी तो 50,000 के पास थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो उन्होंने तकरीबन 43,000+ सब्सक्राइबर्स हासिल करके 93K सब्सक्राइबरशिप हासिल कर ली है, और जल्द ही इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे, तो ये चैनल भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है मेरी ओपिनियंस में। दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे 2 चैनल्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जिनको मैंने अपनी लास्ट रैंकिंग में काउंट नहीं था किया, या शायद मुझे इनके बारे में पता नहीं था, तो इस बार की रैंकिंग में इनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। अगर बात की जाए इमरान परदेसी की, तो इमरान परदेसी टेक वीडियोस बनाते हैं,
टेक और इन्फॉर्मेटिव दोनों वीडियोस बनाते हैं और इनकी सब्सक्राइबरशिप काफ़ी अच्छी है। अगर उर्दू टेक चैनल की बात की जाए तो 5,35,000 सब्सक्राइबर्स एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माई टेक्निकल सोल्यूशन की तो उसने भी काफ़ी कम अरसा में बहुत अच्छी सब्सक्राइबरशिप हासिल कर ली है। तकरीबन 1,60,000 के पास पास इनके सब्सक्राइबर्स हैं जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि उन्होंने बहुत कम अरसे में ही 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे और अब तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर ही उन्होंने तकरीबन 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबरशिप हासिल कर ली है जो कि बहुत अच्छा माइलस्टोन है। तो उससे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोबारा से इनकी रैंकिंग की तो काफ़ी ऐसे चैनल हैं जिनकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। इनमें सबसे पहले हमारे पास उबैर चनेटी, फिर कदीर रेहान और वीडियो वाली सरकार होंगे और यहाँ पर ये दो चैनल भी सबकी रैंकिंग को चेंज करने वाले हैं। अगर मैं इनको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बेस पर फिर से रैंक करूँ तो हमारे पास रैंकिंग कुछ इस तरह से होगी। तो दोस्तों ये हैं हमारे वो चैनल जो कि 2017 के एंड में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बेस पर रैंक हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात करता चलूँ कि ज़ुबैर चनेटी और कदीर रेहान ने क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लिहाजा मैं इनके सब्सक्राइबर्स हासिल करने के बेस पर इनको सबसे नीचे रख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की जबकि बाकी चैनल्स ने अपने चैनल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और वो अभी भी मुसलसल कर रहे हैं जबकि इन दो चैनल की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो दोस्तों ये थी आज तक के लिए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन हासिल हो कि किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए इन यूट्यूबर्स ने बहुत कम अरसा में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं और ये काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो देखते रहिए HM Tech मीडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।